हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को समझना होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जब किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हो गया केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन भी दो तरह का होता है, एक बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। तो जनरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जब रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड सभी जो कंपोनेंट है वो इक्वल रहे, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो हम लोग को यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखना है किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन का। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg, और ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है O2 के फॉर्म में रहता है, तो ये O2 हो गया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। ओके, कैसे ये रिएक्ट कर, यानी कि ये MgO कैसे हुआ था, मैग्नीशियम क्या, मैग्नीशियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इसके आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में आने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। वही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये स्टेबल फॉर्म में आने के लिए दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। तो मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑक्सीजन को देता है, और ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसके वजह से MgO बनता है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहां पे मैग्नीशियम मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन फिर से वापस से मैग्नीशियम जो हो गया इम्बैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 Mg लगा देते हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।